हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं जो कि जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्तलिफ तरह के रूरल बैंक्स, ग्रामीण बैंक से रिलेटेड तकरीबन 8000 से भी ज़्यादा पोस्टों के बारे में, और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। इस वीडियो में कितनी पोस्टें निकाली गई हैं जम्मू कश्मीर के लिए। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक, इलाकाई देहाती बैंक और मुख्तलिफ तरह के रूरल बैंक्स में IBPS की तरफ से 8000 से ज़्यादा पोस्ट्स को रिक्रूट किया जा रहा है, और इनमें जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक और जम्मू एंड कश्मीर इलाकाई देहाती बैंक के लिए भी मुख्तलिफ तरह के पोस्ट्स निकाली गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई हैं वो है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की पोस्ट। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के ये पोस्ट्स रहेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एज क्राइटेरिया एज ऑन 1 जून 2022। तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है एबो 21 ईयर्स और बिलो 40 ईयर्स यहाँ पर एज रखी गई है। और उसके बाद स्केल ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए रखी गई है एबो 21 ईयर्स और बिलो 32 ईयर्स एज रखी गई है। और इसी तरह ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए एबो 18 ईयर्स और बिलो 30 ईयर्स एज रखी गई है। और इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एज बिटवीन 80 ईयर्स टू 28 ईयर्स। एज़ पर रूल यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ को एज लिमिट भी, एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, जिनमें SC ST के कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स, OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 ईयर्स, पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको दिए जाएंगे 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको अलग अलग तरह के क्राइटीरिया पे एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और इसी तरह पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स को यहाँ पर 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और यहाँ पर बाकी क्राइटेरिया जो हैं वो भी आप साथ में चेक कर सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। अंडर सेक्शन 34 द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंडर यहाँ पर इनको रिजर्वेशन भी दी जाएगी सिलेक्शन में। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। प्रेफरेंस इन लोकल लैंग्वेज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB। तो लोकल लैंग्वेज में जिसने की होगी तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए भी रखी गई है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। इसी तरह ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर अगेन बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और 50% यहाँ पर मार्क्स कैटेगरी क्राइटेरिया रखा गया है। 2 ईयर्स एज ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर एक्सपीरियंस रखा गया है। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पर अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इसके लिए भी रखी गई है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 50% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा यहां पर 1 ईयर की यानी 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है, और ये यहां पर रखा गया है सर्टिफिकेट किस तरह की होनी चाहिए। साथ में जो बाकी यहाँ पर आप ऑफिसर्स देख रहे हैं, लॉ ऑफिसर के लिए 2 ईयर्स रखा गया, ट्रेजरी मैनेजर के लिए यहाँ पर 1 ईयर रखा गया है। इसी तरह बाकी यहाँ पर रहते हैं एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए 2 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और साथ में आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी साथ चेक कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन रखा गया है, और साथ में 50% मार्क्स, और ये आप देख रहे हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आपने किया होना चाहिए। साथ में मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए 175 रखा गया है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 850 रखा गया है, बाकी यानी अनरिजर्व यानी ओपन मेरिट के लिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए रखा गया है 175 कैटेगरीज़ के लिए, और 850 रखा गया है ओपन मेरिट के लिए।
ये आप देख रहे हैं, ये है एग्जामिनेशन पैटर्न, किस तरह का आपका एग्जामिनेशन होगा। ये मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ये वाला आपको सिलेबस कवर करना रहेगा। अब हम देखेंगे कि आप इन पोस्ट्स के लिए किस डेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन पोस्ट्स के लिए आप आज यानी 7 जून 2022 से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और इनके लिए लास्ट डेट रहेगी 27 जून 2022। अब हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों ये जो हैं वैकेंसीज, ये अलग अलग स्टेट्स के लिए निकाली गई हैं जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये है बिल्कुल कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले आप आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, तो हम पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इलाकाई देहाती बैंक के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये पहले मैं बताऊँ, ये ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो इलाकाई देहाती बैंक में निकाली गई हैं टोटल 32, जिसमें से जनरल के लिए निकाली गई हैं 13, ईडब्ल्यूएस के लिए निकाली गई हैं 3, ओबीसी के लिए 9, एसटी के लिए 2 और एससी के लिए निकाली गई हैं 5। और यहां पर आप देख रहे हैं, ये ओसी के लिए एक रिजर्व रखी गई है। इसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं, ये है जम्मू एंड कश्मीर जेएनके ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के लिए निकाली गई हैं टोटल 102 वैकेंसीज, और ये जनरल के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, ये ओबीसी के लिए 10, एसटी के लिए निकाली गई हैं 4 और एससी के लिए निकाली गई हैं 15। और यहाँ पर एचआई के लिए 2 रिजर्व रखी गई हैं, ओसी के लिए 1, वीआई के लिए 1, आईडी के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 7 रखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अब ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई हैं। हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, तो यहाँ पर इसके लिए जम्मू कश्मीर में निकाली गई हैं इलाकाई देहाती बैंक में टोटल यहाँ पर 15 वैकेंसीज निकाली गई हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जिनमें जनरल के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 2। और इसी तरह ग्रामीण बैंक में, जे एंड के ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल 1 की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 54 निकाली गई हैं, जिनमें ओपन मेरिट के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 12, एसटी के लिए कोई नहीं है और एससी के लिए निकाली गई हैं 10, जिसमें से एचआई के लिए 2, ओसी के लिए 2, वीआई के लिए 2 और ये आईडी है यहाँ पर निकाली गई हैं 1। आगे देखेंगे और अब हम देखेंगे ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए क्या निकाला गया है जम्मू कश्मीर के लिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए ऑफिसर स्केल 2 के लिए कुछ भी नहीं है जेके ग्रामीण बैंक में। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर के लिए यहां पर इलाकाई जे एंड के ग्रामीण बैंक में टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है और ये जनरल के लिए निकाली गई है। ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए यहाँ पर जे एंड के ग्रामीण बैंक में टोटल जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो हैं 4, जिनमें जनरल के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 निकाली गई है और इलाकाई देहाती बैंक में यहाँ पर कुछ नहीं है। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जे एंड के ग्रामीण बैंक के लिए टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं 34, जिनमें से जनरल के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 12, एसटी के लिए 4 और एससी के लिए निकाली गई हैं 2 और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। वहीं पर अगर हम इलाकाई देहाती बैंक की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो ऑफिसर स्केल 2 यहाँ पर जे एंड के ग्रामीण बैंक में निकाली गई हैं टोटल 12 पोस्ट्स, यहाँ पर 5 रखी गई हैं जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और इसी तरह एसटी के लिए भी 3। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू, सांबा और श्रीनगर में रहेगा और सिंगल मेन एग्ज़ाम जो है वो जम्मू और श्रीनगर में रहेगा। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली ibps.in पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है
आईबीपीएस की यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पर ही आपको आना होगा और यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जो आप यहाँ पर हाईलाइटेड लिंक देख रहे हैं, तो इन पे क्लिक करने के बाद आप अपना अकाउंट बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे खुद को और फिर आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोज अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।